कुछ लोग जब शैतानी और शारीरिक गाड़ी में होते हैं, हर टाइम उनको फ्रस्ट्रेशन मिलती, उनके बच्चे उनके काबू में नहीं है, सेहत उनके काबू में नहीं है, लाइफ उनके काबू में नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, लेकिन चार चीजें बिगड़ी हुई क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनके लाइफ पे नहीं। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा, और रास्ते में समय समय के ऊपर परमेश्वर व्यक्तियों को भेजेगा आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के ऊपर राइट स्टेशन आएंगे जहां से राइट लोग आपकी लाइफ में चढ़ेंगे। और अगर परमेश्वर लगता है आपसे बात नहीं करता, फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जगह के लिए ऊपर लेके जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की, या मुझे लग नहीं रहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मैं रोज प्रार्थना में बैठा हूं, आपके प्रचार के बाद मैं रोज 4 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हो रही। अगर आप तौबा में हैं और आपने इस लेवल से इस तरह से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, अगर वो बात ना भी करे, सब कुछ राइट पोजीशन पे आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर। एवरीथिंग, हर एक चीज, आपको ना भी पता हो, आपको राइट चीज मिलेगी, राइट व्यक्ति मिलेंगे, रॉन्ग व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएंगे। हर एक चीज राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपको देगा, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो। परखा हुआ विश्वास और प्रार्थना में कहता लगे रहो। आमीन। प्रेयर 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 प्रेयर, नाइट प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, क्योंकि प्रेयर्स आपको आगे लेके जाने वाले। आप चाहे धर्मी भी हो, पवित्रताई में भी हो, विदाउट प्रेयर आप लेट होंगे अपनी डेस्टिनी में। और कई बार जो ब्लेसिंग ज्यादा लेट हो जाए वो एक तरह की ना के बराबर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि राइट टाइम के ऊपर, गॉड्स प्लानिंग के ऊपर आप रहेंगे और हर एक चीज फिट होती जाए। वो पजल सॉल्व करना होता है ना, वो फोटो में इधर उधर सब टुकड़े देते हैं और बोलते हैं फोटो लगाओ बराबर, वो फोटो बराबर लगती जाए अपने आप। सिर्फ आपका खुदावंद में रहने के कारण, विश्वास में परखे जाने के बाद स्थिर रहने के कारण और राइट प्रेयर लाइफ होने के कारण आपके पजल सॉल्व होते जाएंगे और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कितना भी बड़ा पजल क्यों ना हो, मुझे बस बने रहना और अड़े रहना और खड़े रहना और प्रेयर करनी है, ये सॉल्व होता जाएगा। और आपको आदत पड़ जाएगी सॉल्व होता देखने की हर एक मुसीबत को, क्योंकि आपने बहुत से पजल सॉल्व होते अपनी लाइफ में देखे होंगे। और आप बार बार देखेंगे कि जब भी आप किसी पजल में पड़े हो, किसी मुश्किल में पड़े हो, परमेश्वर ने उसे सॉल्व किया अपने टाइम में, सिर्फ आपके खड़े रहने के कारण और प्रेयर लाइफ होने के कारण। हालेलुया। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। बड़ी तरह के लोग चर्च में बैठे हैं जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, देखना चाहते हैं परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी लाइफ में क्या किया, अब मेरी लाइफ में क्या कर सकता है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब इसराइलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है और वो राजा युद्ध कर रहा है और देख रहा है कि मेरी सेना हार रही, और वो राजा जिसने जिसके बड़े बेटे ने उसके बाद राजा बनना था, बाइबल कहती है कि उसको बलिदान कर दिया। और जैसे ही उसको बलिदान किया, इसराइली हारने लगे। ये बड़ा अजीब चैप्टर था कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को अपने बेटे की बलि देता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर किसी बंदे की बलि नहीं लेता। और ऐसा कैसे कि इसराइल की सेना हारने लग जाए एक शैतानी बंदे की अपने बेटे की शैतान को बलि देने से? क्योंकि प्रॉब्लम यह थी, परमेश्वर गुस्सा हो रहा था इसराइल के ऊपर कि एक अविश्वासी बोने की सामर्थ को जानते हैं। एक अविश्वासी जानते हैं अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। इसराइली ये देखते हुए भी कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी भी चीज की कुर्बानी नहीं की, और इस वजह से परमेश्वर नाराज हुआ और इसराइली बाइबल कहती है हारने लगे। प्रॉब्लम यह है, क्रिश्चियन लोगों को लगता है कि बिना कर्म किए वो अपनी लाइफ में ब्लेस हो जाए या सिर्फ प्रेयर करके ब्लेस हो जाए, क्योंकि फेथ में खड़े रहना, प्रेयर करना और सैक्रिफिशियल गिविंग बोना, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो
आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे अपना घर बना चुके हैं जिसको हिला नहीं सकता कोई। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी आपकी जो नींव होगी वो स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो हिलने वाली नहीं होगी। अगर आप चुपचाप बैठे तो वो भी चुपचाप बैठे, क्योंकि अपने लेवल को आगे लेके जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी जरूरत है। खुदावन ने हमें ताकत दी है, ग्रेस दी है, उसने हमें ऐसे सिस्टम में, ऐसे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बाय ग्रेस बिठा दिया है कि हम आगे बढ़ सकते। हालेलुया। अगर आप ऊपर देखते जाएंगे कि खुदा कुछ करे तो खुदा नीचे देखेगा आपकी तरफ कि आप कुछ करें। विश्वास में परख के साथ निकलना, स्ट्रांगली बोना, स्ट्रांगली आप मजबूत क्रिश्चियन हैं। आपकी नींव को हिलाया नहीं जा सकता था। आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले। आमीन छोटा है। मैंने कहा आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं।